राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने 27 दिसंबर को अपने ट्वीट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के सरनेम को बिगाड़कर जेटलाई लिखकर तंज कसा था। राहुल ने लिखा था, डियर मिस्टर जेटलाई, शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए कि हमारे पीएम जो कुछ कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 28 दिसंबर को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। भूपेंद्र यादव के नोटिस को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर के पास भेज दिया है। राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं और नियम के मुताबिक उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई इसी सदन में हो सकती है। पीएम मोदी पर गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया था। सदन की कार्रवाई में हो रही रुकावट को खत्म करने के लिए 27 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम के बयान पर सफाई दी थी। Honorable Prime Minister, in his statements or speeches, did not question, nor did he mean to question. राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद ने जेटली के बयान का स्वागत किया था और विवाद को खत्म बताया, लेकिन बाद में राहुल गांधी के ऑफिस की ओर से विवादित ट्वीट किया गया। शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में भी ये मुद्दा उठा था।